कैसे देखो एक तू पोए बताओ तो पोए बताओ तो मेरे को क्या लेने गए थे तू पोए। मैंने इन दोनों को वहाँ भेजा था अकेले, पता है आपको, यहाँ से गए हाथ पकड़ के दोनों आप भी गए। और गुड मॉर्निंग राहुल बोल तो सरी, राधे राधे बोल दे। अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम। वेलकम बैक टू माय चैनल मिस ज्योति कैलाश व्लॉग। एंड कैसे हो आप सब, बढ़िया हो? मैं भी ठीक हूँ। आज है डे गुरुवार। जी हाँ, आज डे गुरुवार है। और मैं अभी नहाने ही जा रही थी लेकिन बच्चे दोनों रो रहे थे कि पोए खाने, तो मैंने इन दोनों को ही बेचे ताकि इनको भी पता चले कि रोड पर कैसे जाना होता है। मम्मी जी नहा धोवा के रेडी होगी, मंदिर जा रही है, मुझे नहाना है अभी। हालांकि मैं शाम को नहाती हूँ क्योंकि पाठ कर रही हूँ। ये देखो पोए दोनों लेके आ गए। ऐसे थोड़ी ना कोई खाता है क्या? इधर आ, मैं खोलूँ। इधर आ। कौन गया था पोहे लाने? तू गया था? कहाँ पर गया था? पोड़ा दी लगा? बोलो राधे राधे। मम्मी जी देखो, मम्मी जी हेलो बोलो। हेलो। हेलो, कैसे हो आप? अच्छे हैं। नहीं, आप बोलो दूसरों को कि आप सब कैसे हो। आप कैसे हो? मम्मी जी नहा धोवा के हो गए हैं रेडी मंदिर जाने के लिए। और ये तो हेलो नहीं करते कहे मम्मी जी, आराम सिखाओ थोड़ा। ये भी हेलो करे कहे मम्मी जी, हेलो करो। मैं कहीं नहीं वेनी कहीं भी है, कहीं भी गांडी है, खुद ने दूसरा गांडा करे। हेलो करो। मैं कहीं नहीं वेनी हाउ काम में समय लगा तक जिंदगी हदरी जाए। अरे मैं हदरे का कहीं नहीं हदरे हमें और बगड़े अपन हदरे कहीं साइड हो आपने। दूसरी शादी करते है तो 50,000 रुपए देते है कि नहीं देते? देते है ना। मैं बच्चों को संभालूंगी, ये बोल रहे हैं। दूसरी लाड़ी के तौर पर 50,000 रुपए मेरे को पता है कि 50,000 रुपए 60-70,000 रुपए कमाते हो। खेती है तो मैं उसमें से थोड़ी ले रही हूँ, घर भी छोड़ के जा रही हूँ। तो दूसरी लाड़ी लाओगे तो फिर देना तो पड़ेगा ही 50,000 रुपए के। ले। हेलो जी, राधे राधे। तो मैं आ गई हूँ ऊपर अपना जो मतलब अभी सुबह का दिया बत्ती करने। और जो रात को मैं पानी भर के रखती हूँ वो एक तो लोटे का पानी रहता है तो वो मुझे पौधों में डालना रहता है और गिलास का पानी खुद पीना रहता है। मैं बस ये सुनी किसी से क्या सुना किसी से क्या सुना उस हिसाब से करती हूँ। मुझे इतना आइडिया नहीं है कि पाठ में पूरे नियम क्या है लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ कि पूरे नियम अनुसार ही करूँ। तो खैर वो कोई दिक्कत नहीं उसमें, भगवान जो भी भूल चुक होंगे वो तो माफ़ करेगा ही करेगा। तो शाम को चढ़ाया हुआ जल हमें सुबह पीना है मॉर्निंग में। और आज हमें थोड़ी हल्की हल्की धूप दिखी थी तो मैंने ये गादी बिस्तर डाल दिए हैं और सोच रही हूँ नीचे के भी लाके डाल दूँगी क्योंकि वो भी बाथरूम से बहुत ज़्यादा बदबू आती है। और मैं यहाँ आई हूँ वापस नीचे, ऊपर का पूरा काम फिनिश करके आने के बाद मैं बैठी हूँ अनार लेके जो मम्मी जी ने मंगाए हैं हस्बैंड जी से। और हम दोनों का ऐसा झगड़ा हुआ कि वो बोल रहे हूँ कि मतलब मैं है ना एक और मतलब क्या बोले शादी करूँगा। तो मैंने बोला ठीक है 1 या 10 करो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें 50,000 रुपये महीने के दे देना, मैं मेरे दोनों बच्चों को मतलब पाल लूँगी। तो मम्मी जी के सामने ही सारी बातें हुई। हम दोनों का पता नहीं क्या है, मतलब कोई भी आ जाए, मतलब हम कहीं भी चले जाए या फिर हमारे घर कोई भी आ जाए तो हम झगड़ा ज़रूर करते हैं, पता नहीं क्या है। फिर बाद में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन उस टाइम तो झगड़ा करते ही करते हैं। या फिर इनको लगता है कि नहीं मेरी मम्मी है तो ये कुछ नहीं बोलेगी, इस वजह से कुछ ज़्यादा ही बोलते हैं। मेरे पतिदेव जी के पंख निकल जाते हैं, मतलब इनके परिवार के कोई आ जाते हैं। और हमेशा होता है, मैं जब ससुराल जाती हूँ ना तो भी ऐसा ही होता है, वहाँ मुझे हर बार चिढ़ाते हैं। अब बोल तू यहाँ कौन कौन बोलेगा, यहाँ मेरी मम्मी है मेरे पापा है, ऐसे करते हैं। तो मेरे पति की आदत ऐसी है। और मैं
जो गादी है ना, मतलब जो बेड के गद्दे हैं ना, बहुत भारी है, बहुत भारी है। सच में मेरे से उठाए नहीं उठे हैं, फिर भी बहुत मतलब बड़ी मुश्किल से मैं इनको ऊपर लेके आई हूँ धूप में देने के लिए, क्योंकि आज बहुत ही करारी करारी वाली धूप निकली है। कि चेरी कभी कभार इन पर सुसु कर देता है, तो इस वजह से इनको सोचा धूप में दे दूँ। ये अभी शाम का टाइम हो रहा है, मैं आपको डायरेक्ट शाम को मिल रही हूँ। मैं खाना बनाने जा रही थी तो पतिदेव जी आके बोले कि नहीं खाना मत बना। मैंने उनको सुबह बोला था कि मेरे मतलब 30K यानी कि 30,000 इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स हो चुके हैं, तो प्लीज़ आप पार्टी दे दो। तो उन्होंने ऐसा बोला तो उस टाइम तो उन्होंने मना कर दिया, और अब आके वो बोल रहे हैं कि चल। तो अब मैं जैसे ही रेडी होने जा रही हूँ, फिर मुझे याद आया कि यार मुझे लहसुन प्याज तो खाना नहीं है, और रेस्टोरेंट में तो बिना लहसुन प्याज का खाना मिलता नहीं है, तब क्या करें वो समझ में नहीं आ रहा है। बताओ आप, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? और सेलिब्रेशन भी मुझे करना है, क्योंकि बहुत बड़ी बात है 30,000 फॉलोवर्स होना इंस्टा पर। हालांकि अपने यूट्यूब पर नहीं हुए हैं, यूट्यूब पर होंगे तो ज़रूर जाऊँगी, चाहे भले कुछ खाऊँ या नहीं खाऊँ, लेकिन इंस्टा का तो ठीक है। तो इन्होंने अब बोला है कि चल रेडी हो जा, मम्मी जी भी हैं तो चलते हैं। लेकिन अब वही सोच रही हूँ जाऊँ कैसे, क्या खाएंगे वहाँ, खाना तो है नहीं मुझे, क्योंकि लहसुन प्याज मैंने छोड़ रखे हैं। मैं पाठ कर रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ ये पाठ कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर देखते हैं क्या करें। अब ओ पतिदेव जी, क्या करें अब, चले हैं, चले कि नहीं चले? अरे दो मिनट, पापा अपन को होटल ले जा रहे थे। हाँ चलना है, लेकिन मैंने मना कर दिया, देखो चलना है। मैं वहाँ तो लहसुन प्याज बिना खाऊ ही नहीं बोले नहीं मम्मी। लहसुन प्याज खा लेना, अपने घर में बहुत सारे बड़े खा ले लहसुन प्याज खाने हो तो। हाय गाइस, हाय गाइस, हाय गाइस, हाय गाइस, हाय गाइस। मम्मी जी कह रहा सब्जी ले आओ। हाँ सब्जी ले आओ, गल क्या तरो या ले आ जो, क्योंकि हैं केक में भी आप कह रहा नहीं अंडोरे यार, केक में भी अंडोरे नहीं। अबे यार मुँह पाट कर रही बिल्कुल, अब यार सो अंडो फंडो नहीं खानो मने, और ना लहसुन प्याज खाना नहीं मने। तो अभी जब हम सुबह झगड़ा कर रहे थे, तो उस बीच में मैंने बोला था पतिदेव जी को कि छोड़ो झगड़े, मेरे इंस्टाग्राम पे लड़ाई लड़ाई में 30K कंप्लीट हो गए, यानी कि 30,000 फॉलोवर्स कंप्लीट हो गए, तो चलिए पार्टी करते हैं, केक वेक काटते हैं। तो उस टाइम तो उन्होंने बोला जा भग ऐसे करके मतलब मुझे हटा दिया था उस बात से। और अब जब शाम के टाइम में खाना बनाने आई थी किचन में, तो पतिदेव जी ने आके बोला कि चल खाना मत बना, तेरे जो भी करना है सेलिब्रेशन चल चलते हैं, और मम्मी जी भी आई है तो चल बाहर खाना खा लेते हैं। फिर मुझे अचानक से याद आया कि यार मैं तो पाठ वाठ कर रही हूँ, तो ऐसे होटल सा खाना नहीं खा सकते हैं, इसी वजह से नहीं जा पाई मैं। तो मैंने सोचा चलो आज भगवान जी को अच्छा सा भोग बना के खिला देती हूँ, कुछ मेरी तरफ से मीठा। तो मैंने पूरा किचन अच्छे से क्लीन करके ही मतलब काम करने लगी थी, लेकिन फिर भी मेरा दूध उबल गया तो किचन पूरा गंदा हो गया। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, तो ताज़ा दूध था तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं भगवान जी के भोग में बना रही हूँ मीठी सेवैया और पूड़ी, और बिना प्याज लहसुन की आलू की सब्ज़ी। जी हाँ, तो वो बिल्कुल खाने में टेस्टी नहीं लगती है, पता नहीं क्या है। और यहाँ सेवैया को मैंने अच्छे से भुना है घी में, खूब अच्छे से भुना है, मतलब कलर पूरा चेंज हो गया था, आपने देखा होगा पूरे वाइट से ब्राउन हो गए थे। उसके बाद में मैंने इसको दूध डाल दिया है, 1 लीटर दूध मंगाया था, तो मैंने मतलब थोड़ा सा ही बचाया था और सारा डाल दिया था। तो चलिए अब इसमें डाल देते खूब सारे मेवे, यानी कि काजू बादाम और किशमिश, थोड़ी सी इलायची। चीनी मैंने डाल दी थी, वो स्किप हो गई मेरे से, आप ऐसा मत करना कि चीनी नहीं डाली है, चीनी डाल दी थी। तो बस यहाँ हमारी सेवैया कंप्लीट हो गई है भोग लगाने के लिए। मैं जब पाठ करूँगी ना तब भी चढ़ाऊँगी यही, और जब अभी शाम को दिया बत्ती होगी तो ये मैं कान्हा जी को भी यही चढ़ा दूँगी, दोनों खुशी हो जाएगी। मतलब क्या बोलते हैं, पाठ की भी हो जाएगी मेरी, पाठ को भी मतलब मैं जब हनुमान चालीसा पाठ करती हूँ उसमें भी मुझे मिठाई चढ़ानी रहती है, लेकिन ये भगवान जी का भोग भी हो जाएगा और हनुमान चालीसा का प्रसाद भी हो जाएगा। पूड़ी बना दी थी मैंने, और यहाँ मैं आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो मैं मसाला दिखा दे रही थी आपको कि बिना लहसुन प्याज का मसाला कैसा रहता है, कितना भद्दा सा लगता है। तो यहाँ खाना हमारा बन गया है, पतिदेव जी मम्मी जी खाना खाने लग गए हैं, हम नहीं खाएंगे। मैंने अभी ही खाया था 4 बजे, तो फिर मैं नहीं खा रही हूँ,
और बस पूजा करने लग गई हूँ, क्योंकि जब बच्चे यहीं फिक्स रहेंगे खाना खाते खाते तो मेरी आराम से पूजा हो जाएगी। बाकी सब जने खा रहे हैं खाना, मैं थाली लेके आ गई हूँ ऊपर बस अपने पूजन करने के लिए। तो अब मैं कर लेती हूँ पाठ। आज मैं थोड़ी ज़्यादा लेट हो गई, आज पता नहीं इतने फ़ोन आ रहे थे, इतने फ़ोन आ रहे थे, कभी फ्रेंड के कभी रिश्तेदार के, तो इस वजह से मैं ज़्यादा लेट हो गई आज। तो ये देखिए मेरी यहाँ सारी तैयारी हो चुकी है, तो प्रसाद भी चढ़ा दिया, पूड़ी भी चढ़ा दी, जो मतलब हनुमान जी को पसंद होगा वो भोग ले लेंगे, मतलब जीम लेंगे। चलिए अब कर लेते हैं हनुमान चालीसा का पाठ, फिर देखते हैं अब जो भी होगा शूट करेंगे। मुझे अभी खाना भी खाना है, लेकिन मैं पाठ वाठ करने के एक घंटे बाद ही खाना होगी, तो मैं सोच रही हूँ वीडियो को यहीं कर देते हैं, आराम से कर लेती हूँ पाठ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।